के तमाम अहदेदारान जनाब अब्दुल हमीद ख़ान साहब चेयरमैन जो है हमारे प्रेस क्लब हवेलियाँ के उनका शुक्रगुजार हूँ सदर प्रेस क्लब हाजी कादर बख्श साहब और जनरल सेक्रेटरी खाकसार निसार अहमद साहब और दीगर जितने भी साथियों के आपने नाम लिए मैं उन सबका शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी और मैं हमेशा जब भी यहाँ आया हूँ तो मैंने हवेलियाँ प्रेस क्लब ने बुलाया है हमें और ख़ास तेरी को एक नुमायाँ हैसियत के साथ आ, उसकी तशहर भी की है और यहाँ की प्रेस और मीडिया से हमारे एक अच्छा ताल्लुक है तहरीकी नुकतः नज़र से भी और ज़ाती नुकतः नज़र से भी आप साथियों के साथ हमारा एक अच्छी वर्किंग कोऑर्डिनेशन है और मैं जब भी यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ आने में ख़ुशी महसूस करता हूँ बाकी रही बात यह कि मुल्कि हालात तो मुल्क हालात तो सब पर आया हैं इस वक्त जिस तरह के हालात मुल्की हैं और जिस तरह की सियासत चल रही है हालांकि खाकसा तहरीक ने इस सियासत से इस वक्त खुद को जुदा रखा हुआ है और हम किसी पर तनकीद नहीं करते इस वक्त जो हुकूमत अपने फ़ैसले ले रही है वो उसकी ज़िम्मेदार खुद होगी माजी की जो हुकूमतें थीं वो अपने माल की खुद ज़िम्मेदार हैं और वो एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव कर रही हैं या क्या सियासी है लेकिन इससे असल चीज़ ये हो रही है कि मुल्क जो है इस्तेकाम उसको नुकसान आ रहा है स्टेबलिटी ऑफ द कंट्री जो है और हमारे अंदर जो नफाक की एक सूरत नज़र आ रही है इंतशार की जो सूरत नज़र आ रही है उससे मुल्क की इंटीग्रिटी पर सवरनिटी पर एक सवालिया निशान बन रहा है जो कि हमारे पाकिस्तानी होने पर भी लोग अब इस शकूक की नज़र से देख रहे हैं और जो माशी हालात हैं वो भी सबके सामने हैं कि मुल्क जो है वो मुशी इस्तकाम की तरफ जो वादे हुए थे वो इफ़ा नहीं हुए और मुल्क की इसकाम माशी इस्तकाम वो नहीं पैदा हो सका लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसको स्टेबिलिटी आएगी लेकिन फिर दिल परेशान इस वजह से होता है कि मुल्क ऐसे हालात की तरफ़ जा रहा है जहाँ से कोई मुल्क की सालमियत को ना नुकसान आ जाए और जिस तरह इस वक्त आ, अपना बैनी नुक़ नज़र से पाकिस्तान जो कि एक अहम तरीन खिते में हैसियत अख्तियार कर गया है और उस नुतः नज़र से देखें इंटरनेशनल सैनरी में देखें तो इस वक्त तमाम दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर है और इस वक्त जिस तरह अमेरिका पिछले इस अगस्त के महीने में यहाँ से इनखला करके गया है और इस वक्त उसके बाद के जो हालात हैं उसमें बहुत सारी इंटरनेशनली और बैन अमामी सतह पर चेंजेज़ आ रही हैं कि दुनिया में नए ब्लॉक्स तश्कील दिए जा रहे हैं और उन ब्लास में जो हमारे हमारा मुल्क है उसकी स्टैंडिंग उसका उसका किसके साथ खड़ा होना यह एक सवालिया निशान बनता जा रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की माशी पॉलिसी पाकिस्तान एक तरफ तो ये जो नए ब्लॉक बन रहा है उसकी तरफ हमें नजर आ रहा है कि उसका झुकाव उस तरफ है जिसमें चाइना है जिसमें रूस है जिसमें अब पाकिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है दूसरे खत्े के ममालिकों ममालिक हैं उनके भी नाम लिए जा रहे हैं कि चाइना की उसके साथ एक नया ब्लॉक तश्कील हो रहा है लेकिन फिर हमारी जो माशी जो कनेक्टिविटी है फिर वो आई एम एफ़ और वर्ल्ड बैंक की तरफ जा रही है तो फिर हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं हमें किस तरफ ले ले जाया जा रहा है हम इस आई एम एफ़ के चुंगल से बड़े मुश्किल से निकले थे लेकिन फिर अब उसके डिकटेशन पर आ गए और उसी उनके और उस डिक्टेशन को लेकर यहाँ पर मुशी अनस्टेबिलिटी आ रही है अफरात ज़र जो है इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है पेट्रोल की कीमतें स्टेबल नहीं हैं बिजली के नर्ख स्टेबल नहीं नज़र आ रहे और आम अशिया ख़रदनोश की सारी जो चीज़ें हैं वो भी आम लोगों की रसाई से निकलती जा रही हैं और आए दिन जो नए टैक्सेस हैं जो आईएमएफ के प्रेशर में लिए जा रहे हैं तो इससे फिर जो अनरेस्ट पैदा हो रही है जो बेचैनी आ रही है आम आवाम में वो किसी ऐसी कंडीशन की तरफ तो नहीं जा रही कि जैसे दूसरे ममालिक में हमने देखा हमने इराक़ में देखा हमने शाम में देखा हमने अफगानिस्तान में देखा कि वहाँ पर ए, ऐसी चीज़ें पैदा हो गई और लोगों में अनरेस्ट आई तो फिर एक ए, खाना जंगी की सूरतें और इस तरह की और दुश्मन ए, पहले दहशत गर्दी के तनाजर में यहाँ पर अपना वार करता रहा कल ही जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़ को भी कई साल मुकम्मल हुए 16 दिसंबर वो मैंने कल भी उसका ज़िक्र किया तो उस चीज़ों को तो हमने कंट्रोल कर लिया है लेकिन अब ये जो मुआशी दहशत गर्दी हमारे ऊपर तारी हो, होने जा रही है इसका सदेबाब कैसा होगा एक सौ बारह अरब डॉलर के हम मकरूज़ हैं हमारे हर पैदा होने वाला बच्चा दो ढाई लाख रुपए से ऊपर का मक्रूज़ पैदा हो रहा है ये ये चीज़ें ये चीज़ें फिर हमें किसी बड़े उसमें मुसीबत में तो नहीं डाल देंगी और ये जो इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और ये आप दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा कि बाहर से जो आ, हमारी मईशत को कंट्रोल करने के लिए लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कि इस हुकूमत में भी पहले हफीज़ शेख साहब आए इसके बाद अब शौकत तरीन साहब है या जैसे हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है इनका रेपो जो है वो मिस्र में जो वो करके आए कि वहाँ भी आज भी उनकी इकोनॉमी स्टेबल ना हो सकी इस तरह की जो बाहर से लोगों को ला कर और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके एक इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पर उनको यहाँ पर रखा हुआ है तो फिर इससे मुल्क की क्या सूरत हाल बनेगी और अगर आम आवाम खुशहाल नहीं है और ये जमहूरी हुकूमतें खास कर जो आवाम को ये बात तो करती हैं कि हम आपके लिए खुशहाली लाएंगे, आपके लिए अमन लाएंगे, आपके घरों में दूध की नहरें तक बहा देंगे तो वो वादे तो इफ़ाही नहीं हो रहे अब लोगों में जो अनरेस्ट पैदा हो रही है उसका क्या हल होगा उसका हल इस वक्त किसी के पास भी नहीं इस जमूरीत का हल किसी के पास इस जमहूरीत में जो करप्शन हो रही है उस करप्शन के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम कोई लायामल नहीं है हमारे पास इदारे मौजूद हैं हमारे पास इन इन इस करप्शन को रोकने के लिए लेकिन उसमें भी वो एक, एक करप्शन का है कि उनमें बैठे हुए लोग भी जो हैं वो इस बारे में कुछ कर सकने के काबिल ही नहीं है वो उनकी डोरें कहाँ पर बधी हुई हैं ये हमें सबको पता है कि भाई वो कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें किस तरह ये मुल्क चलेगा किस तरह स्टेबिलिटी आएगी ये मुल्क किस लिए हमने बनाया किन कुर्बानियों से हमने बनाया तो हमें यहाँ कोई सुकून का कोई एक लम्हा मयसर नहीं है हम रोज टीवी खोलते हैं इन ये सियासी अखाड़ा हर टीवी ने खोला हुआ है एंकर बैठे होते हैं हर पार्टी का बंदा बिठा है कि वो एक दूसरे का मुंह नोच रहे होते हैं वॉट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम्स के कोई सोल्यूशन तो बताए ना कोई सोल्यूशन ही नहीं है कोई हल बता दें सिर्फ जो मसाइल हैं उन पर डिस्कस एक दूसरे को लानता एक दूसरे को बुरा भला कहना हमारे बड़े से बड़े टीवी एंकर हो या हमारे बड़े से बड़े सियासतदान कोई मजहबी जो है वो हो कोई भी सलूशन बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आखिर इन मसाइल का हल क्या है हल किसी के पास नहीं है इसीलिए खाकसार तहरीक ने जो अपना प्रोग्राम दिया है अपना नजरिया दिया है वो ये दिया है कि पहले अपनी इसलाह करें अगर मुल्क की इसलाह करनी है मुल्क में मौजूद अफराद की इलाह करनी है इस माशरे की इलाह करनी है तो उससे उसके लिए पहले इकदाम क्या होने चाहिए हम ऊपर से हम कोई तब्दीली ला नहीं सकते कि ऊपर से कोई तब्दीली आए और वो हमारे आकर नीचे तक हमारे मसाइल को और हमारी परेशानियों को दूर करें फिर क्यों ना हम आपस में मिलकर नीचे से काम शुरू करें और हमेशा फित्री अमल रहा है ये कि जो भी चीज नीचे से ऊपर गई है उस उसको फायदा हुआ है उससे यानी कि अफराद को फायदा मिला है तो अब उसके लिए खाससा तहरीक ने जो प्रोग्राम मरतब किया हमने भी यहाँ पाकिस्तान से कबल हमारा वजूद है और हमने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है इसमें पाक इन खाकसारों की कुर्बानियां शामिल हैं इस पाकिस्तान के वजूद में सिर्फ एक जमात का हिस्सा नहीं है कि हम सिर्फ कहें कि एक जमात ने पाकिस्तान बनाया इसमें बहुत सारी ऐसे लोग थे जिन्हों की कुर्बानियों से ये मुल्क आजाद हुआ है और उस उसको देखते हुए हमारा भी दिल जलता है कि ये हम किसी इकतदार की भूखी जमात नहीं है अगर हम भूखी जमात होते तो आज के ऐवान इकतदार में हम भी बैठे होते ना तो कहीं ना कहीं हम जरूर मौजूद होते लेकिन अगर हमने हमारी सच्चाई हमारी हम हमारा नेक जो अमल था उसको तो आवाम के सामने लाया ही नहीं गया आज तक नौजवानों को पता ही नहीं कि खाकसार तहरीक क्या है लेकिन खाकसार तहरीक की एक हकीकत थी हकीकत है और उसी बिना पर आज हम यहाँ मौजूद है हम एक फिक्री नजरियातीमी तहरीक थी और इसने जो विजन दिया पाकिस्तान के लिए जो विजन दिया पाकिस्तान के लिए जो नजरिया पेश किया बानिय खाकसार तहरीक हजरत मशर की रमत ने कश्मीर जैसे मसले को दुनिया के सामने उजागर किया कि भाई कश्मीर तुम्हारी शहर गए इससे तुम्हारे दरियाओं का पानी निकलता है इस कश्मीर को लेना तुम पर फर्ज बनता है और उन कश्मीरियों को उस हिंदुस्तान के नरगे से निकालना तुम्हारा फर्ज बनता है जिन जिनका कत्लेआम आज भी हो रहा है और ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं कौन सा मसला हल हुआ है इस सियासी सेटअप के की मौजूदगी में जो सियासी सेटअप हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बनने के बाद जो सियासी सेटअप हमने लगाए जिन पर शब खून भी लगे लेकिन वो सेटअप्स ने हमें दिया क्या है आम आवाम को कौन सा रिलीफ मिला है हम हर वक्त हर हर दौर में मुख्तलिफ नारों की उसमें धोखे में चलते रहे कभी रोटी कपड़ा मकान कभी नवदा में मुस्तफा कभी कर्ज उतारो मुहिम कभी कुछ कभी कुछ आज तक हमें सिर्फ नारे ही मिले आज हमें इंसाफ का नारा दे दिया गया कि इंसाफ घर तक पहुंचेगा कहा मिला माफियाज ने आज पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है। आयल माफिया है चीनी माफिया है इस तरह की पता नहीं कितनी माफियाज काम कर रही हैं ट्रांसपोर्टेशन की माफिया अलग है अभी पिछले दिनों पेट्रोल माफिया ने पेट्रोल देना बंद कर दिया कि हमारी कमीशन बढ़ा दी जाए अब इस ब्लैक मेलिंग और इस प्रेशर माफियाज को हम कहां से मुंह दें और उसका सारा प्रेशर जो है वो अवाम पर है जो भी चीजें निचोड़नी है अवाम से निचोड़ो अवाम क्यों कि हम यहां रह रहे हैं। हमारा सिर्फ जुर्म यह है कि हम अ पाकिस्तानी यहां रह रहे हैं लेकिन पाकिस्तानियों का पुरसान हाल कौन है हर एवरी पार्टी ऑलवेज वर्क फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर पार्टी कि वो अपनी पार्टी इक्तदार के लिए अपनी पार्टी को तकवियत बख्शने के लिए वो पार्टी काम करती है अपने इकतदार के दुआम के लिए वो पार्टी काम करती है लेकिन नाम अवाम का इस्तेमाल होता है लेकिन अवाम धक्के खा रही है भूख नंग अफलास तंग दस्ती बीमारी ये कोरोना में उन पर पाबंदियां उन पर बीमार उन उ, उ, उनको अभी आपने कहा अपना निसार साहब ने कि हमने इस करोना में बहुत खिदमत की सबने खिदमत की लेकिन वो खिदमत आखिर उसका क्या है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए कि यहां से बुनियादी तौर पर कम से कम यहां आम पाकिस्तानी को तीन दो वक्त की रोटी तो मिल जाए या आखिरी निवाला भी हम उनसे छीन लेंगे उनको भूखा छोड़ देंगे जाए फिर ऐसी कौमे जाकर अफ्रीका में देखें जहां पर इसी आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक ने इंतहाई तौर पर बदहाली पैदा कर दी है वहां एक वक्त का खाना नसीब नहीं है पूरा अफ्रीका भूख मर रहा है फिर उस आई एम एफ को हमने अलाकर बिठा दिया है स्टेट गवर्नर ए, ए, स्टेट बैंक को भी हमने आजाद कर दिया है, कि वो फैसले अपने खुद ले उस पर भी कोई चेक बैलेंस नहीं है फिर वो फैसले बैनवामी इदारों के साथ क्या फिर इस तरह कर्ज दर कर्ज लेकर हमें मकरूज कर करके कर करके कर, 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 आखिर जो इतनी बड़ी हमारी फौज है जो हमारी इन चादर और चार दीवारी की हिफाजत कर रही है जो हम हमारे ही बजट पर और हमारे ही उस पर वो चल रही है कल फिर उसके भी खिलाफ फैसले अगेंस्ट होना शुरू हो जाएंगे कि इसको एक रुपया मत दो इसके बजट काट दो इसका सब कुछ काट दो भाई फिर किस तरह ये मुल्क चलेगा के शौकत साहब उठते हैं और उठकर हमें हर रोज एक नया बजट और एक नई कहानी सुना देते हैं कि आज ये हो जाएगा कौम तैयार रहे भाई कौम तो तैयार हो रो कर मर गई है हम कहां से कहां से करें हमारी एक महदूद आमदनी है हम एक महदूद आमदनी के लोग हैं जाकर हमारा जीडीपी चेक करें कि हमारा जीडीपी क्या है खित्ते में जितने मुल्क हैं हमने हमने अफगानिस्तान को जो है ना अपना बेकार होकर हो काट दिया उन्नीस सौ इकहत्तर में जाकर उसको देखें कि उसका टका डॉलर के मुकाबले में कहा खड़ा और हमारा रुपया किस किस तरह उसकी तजलील हो रही है वो किस किस कदर नीचे गिरता चला जा रहा है दूसरे खिते के दूसरे ममालिक को देखें उनमें महंगाई का तनासब क्या है लेकिन यहां जो महकमा शुमारियात के के जो स्टेटिकल फिगर्स हर महीने आते हैं उसमें हर महीने इजाफा है तो भाई इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा सिर्फ नारों पर आसरों पर और कोई टेक्निकल लोग हैं ही नहीं किसी जमात के पास ये जो आदमी इस वक्त भी आपका वजीर ख़जाना है ये पिछले पिछली दवा मियाँ मियाँ साहब के दौर में भी और उससे पहले बेनज़ीर के दौरों में भी यही यही वजारतें करके चले गए थे तो उस वक्त उन्होंने कौन सी दूध की नहरें बहाई थी जो अब इनको वापस बुलाकर इनको ये पोर्टफोलियोज दे दिए गए कि आप आप मुल्क चलाने में हमारे मददगार हों आप हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज बताएं ये दीज आर द इकोनॉमिक हिटमेंट्स ये इकोनॉमिक हिटमैन को जाकर आप सर्च करो यूट्यूब पर कि इकोनॉमिक हिटमैन कौन होता है जो अगर इन इधारों की ही पॉलिसी को इन्हीं के पैसे को वापस उनके पास भेज दे दिया जाता है वो सर्कुलेट होकर आते हैं हमारे बैंक अकाउंट से होकर वापस फिर तरक्यात के नाम पर उन्हीं के कंपनियों के पास वापस चले जाते हैं तो भाई फिर हमें क्या फ़ायदा मिला हमारा बच्चा हमारा जो नई नस्ल है वो बेरोजगारी का शिकार है वो बीमारियों का शिकार है वो जहनी तौर पर अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहा हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उस दिन कहा जनाब इतने लोग अब देखे पाकिस्तान से बाहर रोजगार लेने जा रहे हैं बाहर चले गए अब डॉलर आएंगे तो यहां जब रोजगार नहीं होगा आपका तो वादा था कि लोग यहां अगर काम करेंगे यहां लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन कुछ नहीं हुआ लेकिन ये सारी चीजें इस हुकूमत की नहीं है इसमें पिछली हुकूमतों का भी हिस्सा है लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है असल में इस सिस्टम पर खाकसार तहरी तनकीद करती है किसी सियासी पार्टी पर नहीं करती हमारा जो नुकता नजर है कि हमने उस वक्त भी इंतकाल इकतदार में हुआ जब हिंद ये तकसीम हिंद हुई और पाकिस्तान मारज वजूद में आया तो जो सिस्टम आया उस पर हमने तनकीद की कि यह अंग्रेज ने एक गुलाम हिंदुस्तान के लिए यह कानून बनाए थे जिसको आपने ताजीरात पाकिस्तान बनाया है इस, इस इन इन कवानीन में इस जुडिशरी सिस्टम में इस पुलिस के कानून में पाकिस्तान के लिए कोई रिलीफ नहीं इसके जमहूरीत वाले निज़ाम में पाकिस्तानियों के लिए कोई निज़ाम नहीं है भाई हम हमारे इतने ए, लोग पढ़े लिखे इतने सालों में पैदा हो सके हमने अपने लिए ना कोई आइन बना सके ना कोई कानून बना सके ना कोई तालीमी पॉलिसी दे सके ना कोई हेल्थ पॉलिसी दे सके फिर हमने क्या किया डन हमने कुछ भी नहीं किया तो यही सबसे बड़ा अलमिया है दैट इज वाई खाकसार तहरीक इज स्टैंड फॉर नाउर दीपुल कैन प्रोवाइड द सोल्यूशन हम नारे लगाने या इस वक्त इस इस सियासत का हिस्सा बनकर अपने आप को इस इस डी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बना रहे हम कहते हैं कि आए हम मिलकर बींग अ पाकिस्तानी अपने गली मोहल्लों से उस तहरीक का आगाज करें जो हमारे लिए उस आम आदमी जो जिसको हमने जमहूर का नाम दिया है आवाम को ताकतवर करने का जो प्रोग्राम मोहल्लावर निजाम के तहत खाकसार तहरीक के पास है उस प्रोग्राम के तहत हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें एजुकेट करें अवेयर करें ताकि हमें करना क्या है और वह सारे का सारा प्रोग्राम अपनी मदद आपके तहत चले और हम अपने अंदर से अपनी सलाहियत से अपने स्किल से वो तमाम चीजें कर सकते हैं ये खासर का मोहल्लावारी निजाम को हम इस बलदियाती निजाम के मध्य मुकाबल एक पावरफुल निजाम के तौर पर मुतारफ कराना चाहते हैं और इसके लिए ही मेरी ये सारी कोशिश है मेरे साथियों की कोशिश है या हवेलियाँ की जमात हो या जितनी भी दीगर पाकिस्तान में खास तहरीक के शहरों में जमातें हम इसीलिए अब इस सोशल अवेयरनेस की तरफ आएँ कि इस बलदियाती निज़ाम जो आगे चलकर पार्लियामानी निज़ाम की सूरत अख्तियार करता है और जिसमें एक करप्ट निज़ाम के तहत ये सारा निज़ाम एक करप्शन की नज़र हो चुका है और उसमें डिलीवरेंस पावर खो चुका है उसके मद् मुकाबल उस अल्लाह के खौफ और अल्लाह की, ए, की ए, ए, उसको कायम करने के लिए हकमियत को कायम करने के लिए इस खाकसार तहरीक के प्रोग्राम के तहत हम अपने मसाइल को हल करें कम्युनिटी बेस्ड करें दुनिया की बड़ी बड़ी एन जी ओज हो वर्ल्ड बैंक हो आए यू एन ओ हो और डब्ल्यू एच जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्युनिटी बेस्ड काम कर रही हैं और खाकसार तहरीक ने यह काम उन्नीस सौ इकतीस में कम्युनिटी बेस्ड शुरू किया था और उसको कामयाबी हासिल हुई थी और वो कामयाबी इनको रास आई अंग्रेज को और उसने खाकसार तहरीक को खत्म किया दीवार से लगाया उसको मार दिया इसी वजह से तारीख में हम नहीं है तो अब फिर खाकसार तहरीक अमली मैदान में है और वो कह रही है कि सुनो भाई हमारी बात हम भी वो अंसर थे जिसने सच्चाई के साथ इस धरती के साथ अपनी वफादारी निभाई है इस धरती मां के साथ वफादारी निभाई है हमने अपने खून से इसको सीजा है 19 मार्च 1940 का वाक्य 23 मार्च से चार दिन कबल हुआ था और उस 23 मार्च 1940 में जो आपके लिए करारदाद मकासिद हुई जो बाद में करारदादे पाकिस्तान बनी उसमें खून खाकसारों का था जो 19 मार्च 1940 को बहा था तो फिर हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे इस तारीख से हजफ कर दिया गया सिर्फ कागजों के चंद पलंदों को तो तारीख का, का बड़ा जो है ना वो बताया जाता है लेकिन उन सौ खाकसारों का जलिया वाला बाग हर एक को याद है किस्सा खानी बाजार सबको याद है खाकसारों का वो खून क्यों नहीं याद हमें दीवार से लगा दिया गया क्योंकि हम एक इस्लाही तहरीक थे हम हमने बिना किसी लालच के इस धरती की खिदमत की यहां के उन मां के उन बेटों को और उन, उनकी कुर्बानियों को हमने आज भुला दिया जिसका नतीजे में ये तमाम चीजें हैं कि जब कौम अपने सच्चे लोगों को भुला देती है अपने सच्ची लीडरशिप को भुला देती है सब्चे कुर्बानी देने वालों को भुला देती है और कागज कागजी लीडरशिप को अपना सब कुछ मान मां लेती है तो फिर उसका हाल यह होता है हमें अफसोस नहीं है हमें फख्र है अपनी तारीख पर कि हम खाकसार हैं और आज भी वी आर एबल टू तो डू एवरीथिंग हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उसमें हमें उस उसमूर का उस आवाम का साथ चाहिए और हमें उसके लिए इकतदार की भूख नहीं है कि हमें आप एवानों में पहुंचाएं तो हम आपके लिए रिफॉर्म्स करें हम चाहते हैं कि आए हम आपके साथ आपकी गली मोहल्लों में आपके साथ बैठकर आपके मसाइल को हल करते हमें कोई बादशाहत नहीं चाहिए हमें ना आपका वोट चाहिए अभी भी जाकर दें आप उनको वोट लेकिन फिर नतीजा तो आपको माजी की तरह मिलेगा चुन लें आप जितने भी इस बलदियाती इलेक्शन में जो चेयरमैन चुन रहे हैं जो काउंसलर चुन रहे हैं जो मेंबर चुन रहे हैं चुन लें आप देखते हैं हम भी यहां पर हैं सत्तर साल से आपको नतीजा जीरो बटा जीरो मिलेगा ये मैं आप बिल्कुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपसे गारंटीड बात कर रहा हूं वरना अगली दफा तो मैं आऊंगा ना आप मेरा घेरेबान पकड़ लीजिएगा कि आप झूठ बोल कर गए थे तजर्बा हमारे सामने है। तो उस तजर्बे के नुकते नजर से मैं आपसे कहता हूं कि खाकसार तहरीके इस मोहल्लावारी निजाम को जो हमारी आखिरी 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 सल्यूशन के तौर पर अपनाएं और इसका हिस्सा बने और यह खाकसार तहरीक है जो आपको धोखा नहीं देगी इसका माजी किसी धोखे से भरा हुआ नहीं है तो भाई ये सारी हकीकतें आपके सामने मौजूद हैं ये मेरे साथी यहां पर जो हैं ये आपके सामने ये आप ही के शहर के हैं ये आप इनको जाति तौर पर जानते हैं इनका अमल और किरदार जानते हैं इनकी खिदमत खलक जानते हैं इनका इशार और कुर्बानी जानते हैं ये किसी लूट खसूट के प्रोग्राम का हिस्सा कभी नहीं बने लेकिन अब आपसे कि अगर आपको जरूरत है खाकसार तहरीक की तो फिर हमारे पास एक निजाम है जो इस बलदियाती निजाम से लेकर उस पार्लियामानी निजाम तक आपको मुतबादल तौर पर सियासत करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो सकता है जो सच्चाई के साथ होगा ईमानदारी के साथ होगा खौफ खुदा अल्लाह के खौफ के साथ ला, ला मोहम्मद रसुल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए हम मुसलमान हैं लेकिन इस रियासत में अगर रियासत मदीना का तस्वर पेश किया जाता है तो फिर रियासत मदीना के लिए वो अमाल भी पैदा करने पड़ेंगे वरना वो रियासत मदीना कभी कायम नहीं हो सकती वो फिर कागजी बातें हो जाएंगी कागजी दावे हो जाएंगे जबान के दावे हो जाएंगे तो फिर इस धोखे में रहना चाहते हैं तो फिर रहें आप लेकिन हकीकत यह है कि फिर वो नबी के उन असहाबा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो किरदार उनकी वो असवा हसना और उनकी कुर्बानियों को सामने रख कर उसी इशार और कुर्बानी के साथ सियासत तो भाई इबादत है या तो दुकानें बन गई या तो बिजनेस हो गया या तो मजहबी पेशवाइयत ने भी आकर सियासत की दुकानें खोल ली नहीं नहीं जमातें जो है ना इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कायम होकर अब अपनी सियासत चमका रही हैं आए ना फिर वो उसी तरह उसी इशार और कुर्बानी के लेकिन उनके पास भी अगर आप जाएंगे तो उनके पास भी कोई प्रोग्राम ही नहीं है के उनको बताएं कि इस जमूरियत का हिस्सा क्यों बन रहे हैं भाई इस्लाम में इस मगरबी जमूरियत का क्या नजरिया है कौन कौन इसकी हिमात कर लेकिन वो इस सिस्टम से मजबूर है उनके जो भी लोग हैं उनके पास भी कोई निजाम नहीं है कि इस निजाम का नैमुल बदल क्या है इसका, इस निजाम का इस फरसूदा निजाम का जो अंग्रेज ने हमें विरसे में दिया उसका सिर्फ बद उसका सोलूशन सिर्फ अक्सर तहरीक के पास है यह मैं दावे के साथ बात करता हूँ और ये दावा कोई हवा का नहीं है लेकिन उसमें आप जम्भूर का आप आवाम का साथ चाहिए अगर नहीं तो ना सही हम तो अपने पैगाम में सच्चे हैं भाई हम पर कोई भी करप्शन का इल्जाम नहीं है हमारे हाथ साफ हैं, हम पर चंद बोगस इल्जाम हैं जि जिनकी आज इस जदीद दुनिया में इंटरनेट के आ जाने के बाद जब तमाम फोरम्स खुल गए तमाम इंफॉर्मेशन खुल गई तो जो झूठे इल्जाम हमारे ऊपर लगाए जाते थे वो तमाम झट चुके हैं बादल वो लघु बातें हो गई कि पाकिस्तान मुखालिफ थे अगर हम पाकिस्तान मुखालिफ थे तो फिर कश्मीर का जो मसला हमने बयान किया वो आज हल हो जाता ना तुम्हारे हाथों हमने कहा था कि कश्मीर को अकोम मुतहदा में कभी मत ले जाना कश्मीर बजोरे शमशीर तुम करते आज तुम्हारा ये कश्मीर आजाद होता आज तुम्हें कश्मीर कश्मीरियों का खून यू नाहक न बहता उनकी इज्जतें चादरें और चार दीवारों की इस तरह तजलील न हो रही होती दिल जल जाता है तकलीफ होती है कि हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं लेकिन वहां कश्मीर पर वो हिंदुता इस वक्त मुसलत हो चुकी है जिसने उनसे बुनियादी जीने के कानून छीन लिए उनको लिएत में तब्दील किया जा रहा है 370 की आर्टिकल को खत्म करने के वक्त मुझे वो बात याद आ गई थी कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को अकलीत में बदला जाएगा अलामा मशर्की का बयान है जब ये तीन सौ सत्तर की दो हजार उन्नीस अगस्त में इस चीज को मोदी गवर्नमेंट ने खत्म किया तो मुझे अलावा मशर्की के वो लफ्ज याद आ गए जो उन्नीस में उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कश्मीरियों को अकलीत में तब्दील कर दिया जाएगा और जिस दिन अकलीत में तब्दील हो जाएगा उस दिन कश्मीर का फैसला ये अपने हक में करा लेंगे तो वो आज वो टाइम आ गया है कि अब वो लोग वहां उन अस्सी लाख कश्मीरियों को अकलियत में तब्दील कर करने की साजिश कर रहे हैं और आइंदा दो चार सालों में वो जब करोड़ दो करोड़ हो गए और आम एक अरब हिंदुओं के मुकाबले में फिर इन अस्सी लाख कश्मीरियों की क्या हैसियत रह जाएगी वो मर जाएंगे और तुम्हारे दरियाओं का पानी भी बंद हो जाएगा जो आखिरी पानी दरिया सिंध में उतर रहा है वो भी 2025 में बंद हो जाएगा फिर ये जरा मुल्क क्या करेगा हम वैसे ही मक्रूज हो चुके आई के वर्ल्ड बैंक के फिर क्या और मजीद उसने कह दिया है कि ये डॉलर अब 200 से ऊपर हमें चाहिए और हमारे इंपोर्ट बिल्स कितने हैं किसी को पता है कि हम चाय कितनी पीते हैं हम काफी कितनी मंगाते हैं हमारी अयशियां तो कम नहीं होती हम सिगरेट कितना फूक जाते हैं? तो तो भाई यह मुल्क ऐसे नहीं चलेगा इसके लिए वाकई जमहूर को एक इंकलाब की जरूरत है और उस इंकलाब के लिए अगर आवाम तैयार है तो ठीक है नहीं तो फिर इन जालमों के इस इस, इस नौकरशाही के इस जागीरदारी निजाम के इस सरमायादाराना निजाम के ये तीन चीजें हैं आप पर मुसलत एक ये नौकरशाही जिसके सिविल ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं। एक ये जागीरदाराना निजाम एक सरमायादाराना निजाम और उसके तहत उनकी ये जो जमहूरियत उनकी लॉन्डी बनी हुई है जिससे हमें धोखा दिया जा रहा है दैट इज द मेन कॉज ऑफ मेन प्रॉब्लम ये है अगर इन सारी चीजों को हमने मा साहब कहते हैं रोटी तो शय नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा रोटी तो शय नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा जो तुम्हें धोखा दिया गया भाई दिया गया तुम्हें धोखा इस रोटी के नाम पर कपड़े के नाम पर मकान के नाम पर रोटी तो शय नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा हो हुकूमत गरीब की इसकी हवा चला दो अब वो 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 कौन सी हवा है वो जमहूरियत के तहत नहीं है वो जमहूर की ताकत को जमहूर ही के जरिए से तो रोटी तो शय नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा हो हुकूमत गरीब की इसकी हवा चला दो सरमायादार का तो सीधा इलाज के हल्के गरीब के इससे अलग हटा दो अब ये सारा ये एक पूरा निजाम है खास सर तहरीक एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से है हम किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी पर कोई तनकीद नहीं है कि हम ना के कभी पी टी आई के खिलाफ बोलेंगे नून लीग के खिलाफ न पीपुल्स पार्टी के दौरान न लेकिन हम इस निजाम को जरूर हिट करते हैं और करते आएंगे जिसके तहत ये करप्शन है ये बदमाशी है और उसमें आकर वो करप्ट लोग इन्हीं पार्टियों का हिस्सा बनकर हमें लूटते हैं वही जागीरदार आता है वही सरमादार आता है वही सिविल ब्यूरोक्रेसी है वही नौकरशाही है जिसने आकर हमें लूटा है देदा देदा देदा। तो खाससार तहरी ऑलवेज इन द स्ट्रगल मैं उम्मीद करता हूँ और मैं शुक्र गुजार हूँ अवेलिया प्रेस का कि वो ने उसने हमें टाइम दिया और हमें कॉल किया और हमें अपने की बुनियाद पर एक अच्छी कवरेज भी आपकी तवसत से मिल जाती है आई एम वेरी रियली थैंकफुल ऑल ऑफ़ यू और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफोम मान में रखे बहुत बहुत शुक्रिया।